Hello everybody, today we will be doing question number 23 from exercise 12b. Question is, the cost price of 12 candles is equal to the selling price of 15 candles. Iska matlab kya hua? Ki, suppose I have 12 candles, okay? Maine usko purchase kara. So cost price of 12 candles, this is equal to the selling price of 15 candles, okay? Is equal to selling price of 15 candles. मैंने दोनों को इक्वल कर लिया x को. Suppose that cost price of 12 candles be x. That means selling price of 15 candles कितनी हो जाएगी? They will also be equal to x. Clear है? Now the next part of the question is we have to find out the loss percentage. क्योंकि अब ये कैसे पता question को जो examiner है हमारा जो टीचर है कि अगर 12 कैंडल्स की जो कॉस्ट प्राइस होगी वो इफ दैट इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 15 कैंडल्स तो हमारा लॉस क्या हो सकता है, हमारा गेन हो जाए. तो भाई ये बहुत लॉजिकल चीज है. सपोज आप कहीं से यू बॉट 12 कॉपीज, आप 12 कॉपीज लेके आते हैं, ठीक है. सपोज आप 15 कॉपीज लाते हैं, ठीक. उसमें से जो 12 कॉपीज की जो कॉस्ट प्राइस है, if that is coming out to be selling price of 15 copies, ठीक. इसका मतलब क्या हुआ? तो भाई ज्यादा copies इधर लग रही है ना, आपका इसका मतलब loss हो गया, ठीक है. आपका loss हो गया, जो चीज आप 12 खरीद के लाए थे और selling price में आपको ज्यादा देनी पड़ी, you have to give 15 copies. इसका मतलब भाई नुकसान हो रहा है 3 copies का, ठीक है. That means you are at a loss. That is the reason the examiner has asked about the loss percentage. ठीक है, आपकी किताब में you have to find out the loss percentage. Clear है? अब हम क्या करेंगे? We'll find out the cost price of one candle. अगर 12 candles की x है तो one candle की कितनी हो जाएगी? 12 by x. ठीक है, clear है? Now we'll find out selling price of one candle. ये कितनी हो जाएगी? अगर 15 की x है तो वन कैंडल की सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी? x बाय 15, ठीक है ना. इट्स वेरी सिंपल. नाउ वी फाइंड आउट द लॉस. इज लॉस में क्या होता है? कॉस्ट प्राइस इज ऑलवेज ग्रेटर देन द सेलिंग प्राइस, ठीक है. लॉस में यही तो होता है. इसका मतलब क्या होगा? हम ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा, तो फिर हम बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करेंगे, राइट. तो वी राइट 12 by x by 12 माइनस x बाय 15, ठीक है. दिस विल कम आउट टू बी x बाय 60, राइट. अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे? नाउ वी फाइंड आउट द लॉस परसेंटेज. वो क्या होता है? लॉस, चलिए आई राइट द फॉर्मूला ऑल्सो. लॉस अपॉन सीपी इनटू 100, यही तो लॉस परसेंटेज होते हैं. नाउ लॉस इज कमिंग आउट टू बी x बाय 60. वॉट इज द सीपी? That is x by 12 into 100. ठीक है, इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आएगा? लेट अस फाइंड आउट. x by 60 into 12 by x into 100. ठीक है, ये तो है. x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 से 0, 6 ones are 6, 6 twos are 12. This will come out to be 20%. That means कितने का loss हुआ? He will be at a loss of 20%. Clear है? I hope this question is clear. ये question अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि इसके ऊपर 4-5 questions अब और आ रहे हैं, ठीक है? सिर्फ concepts आपके clear होने चाहिए, बाकी तो calculations में आज तक इतना typical नहीं है, formulae भी इतने tough नहीं है, करते करते भी याद हो जाते हैं, ठीक है? बहुत सारे formulae हैं भी नहीं. और आप एक काम करिए, अपनी कॉपी में या आपकी जो स्टडी टेबल है उसके सामने वॉल पे ये सारे फॉर्मूले लिख के पेस्ट कर लीजिए, ताकि आप जब डेली बेसिस पे कोई भी चीज देखते हैं ना, तो वो आपको केमिस्ट्री के, मैथ्स के फॉर्मूले, फिजिक्स के फॉर्मूले सब लिख लीजिए, ताकि आपको जो है अच्छे से आपके माइंड में रहे वो चीज, ठीक. नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 24. क्वेश्चन नंबर 24 इज, if the cost price of 10 copies is equal to the selling price of 8 copies, we have to find out the loss or gain percentage. अब क्वेश्चन में क्या आ रहा है? If the cost price of 10 notebooks
इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 8 नोटबुक्स. तो हमको गेन या प्रॉफिट परसेंटेज हमें बताना है. ठीक है, तो अगेन वी विल डू द सेम थिंग. लेट द कॉस्ट प्राइस, और जो ये कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 कॉपीज बी इक्वल टू एक्स. ठीक है, अब अगर ज्यादा चीजों की कॉस्ट प्राइस कम चीजों की सेलिंग प्राइस के बराबर है, ठीक है, यहाँ पे इसका मतलब आप 10 कॉपीज लाए थे, राइट, आपने अपने 50 रुपीज की लाए थे, नाउ दैट इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 8 कॉपीज. आपने अपने फ्रेंड को 8 कॉपीज सेल आउट कर दी, यू हैव गॉट 50 रुपीज. ठीक है, 50 रुपीज वापस आ गए एंड स्टिल यू हैव टू मोर नोटबुक्स. आपके पास दो और नोटबुक है, इसका मतलब क्या है, आपको गेन हो रहा है. ठीक है, सिंपल है ना. नाउ लेट द सीपी ऑफ 10 कॉपीज बी इक्वल टू एक्स. दैट मीन्स सेलिंग प्राइस ऑफ वन नोटबुक विल बी कितना आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू एक्स बाय 10. ठीक है, सिंपल. अभी जो हमने लास्ट क्वेश्चन करा था सेम उसी पैटर्न पे. नाउ वी फाइंड आउट सेलिंग प्राइस ऑफ 8 नोटबुक्स इज इक्वल टू 8x. ये भी x के बराबर हो जाएगा. ठीक है, इसका मतलब सेलिंग प्राइस ऑफ वन नोटबुक कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू एक्स बाय 8. ठीक है, यहां पे हमें गेन हो रहा है, राइट. तो फिर व्हाट वी विल डू हियर इज वी विल फाइंड आउट द गेन परसेंटेज. गेन परसेंटेज विल बी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100. सारी वैल्यूज रख दीजिए, विल गेट द आंसर. लेट अस फाइंड आउट एक्स बाय 8 माइनस व्हाट इज दिस कॉस्ट प्राइस, इट इज एक्स बाय 10 डिवाइडेड बाय एक्स बाय 10 इनटू 100. ठीक है, एलसीएम लेते हैं 8 और 10 का, 40 आएगा. 8 5s आर 40 ना, इसको हम अलग कर लेते हैं. एक्स बाय 8 है ना, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं क्योंकि ये डिनोमिनेटर में डिवाइड हो रहा है, तो इट विल गो टू द न्यूमिरेटर, ये x नीचे आ जाएगा. ठीक है, तो पहले हमने इस चीज को यहां लिख लिया तो थोड़ा कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा. ठीक, आप मत रब करिएगा. ठीक, मैंने इसलिए रब करा ताकि यू डोंट गेट कंफ्यूज, राइट. इसको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं इस पोर्शन को, 10 और इसको. ठीक है, 8 5s आर 40, तो 5x. ठीक है, 5x माइनस 8 4 4x, ये कितना हो जाएगा, इनटू 100. 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस विल बी x बाय 4 इनटू 10 इनटू x डिवाइडेड बाय x, x से x जाएगा, दिस विल कम आउट टू बी 25%. ठीक है, तो आंसर कितना आया, आंसर विल कम आउट टू बी 25%, राइट. हियर वी कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 24. नाउ वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 25. आई होप दिस एक्सरसाइज इज क्लियर टू यू. अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो यू कैन गो टू द कॉमेंट सेक्शन एंड राइट देयर, आई एक्सप्लेन यू वन मोर टाइम, राइट. और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है देन प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट यू कैन गेट द लेटेस्ट अपडेट. और अगर अपने फ्रेंड्स को भी बताइए ताकि उन लोग को भी कुछ हेल्प हो, राइट. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 25. द क्वेश्चन इज लाइक अ टॉय वाज सोल्ड एट अ गेन ऑफ 12%. कोई एक बच्चा है, कोई टॉय लेके आया एंड टॉय कितने पे सेल आउट हुआ है, एट अ गेन ऑफ 12%, राइट. नाउ हैड इट बीन सोल्ड फॉर 33 रुपीज मोर द गेन वुड हैव बीन 14%. अगर मैं उसको, मैंने सपोज हम क्या मान लेते हैं, अच्छा चलिए आफ्टरवर्ड्स, अगर मैं उसको जितने भी सेल करा है, अगर मैं 33 रुपीज और उसके ले लेती, इफ आई हैव टेकन, शुरू में मैंने अगर 50 रुपीज सेलिंग प्राइस है, अगर उसकी सेलिंग प्राइस में 50 प्लस 33 लेती, दैट मीन्स 88 रुपीज, तो मुझे गेन कितना होता, आई वुड हैव गेन 14%. ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन. वी हैव टू फाइंड आउट द कॉस्ट प्राइस. अब यहाँ पे कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करें. ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन का मतलब, राइट. नाउ सपोज द कॉस्ट प्राइस ऑफ टॉय बी एक्स, हमने सपोज कर लिया कि वो टॉय हमने 100 रुपीज का खरीदा है. ठीक है, तो फिर सेलिंग प्राइस व्हेन गेन वाज, हाउ मच गेन वाज, 12%, हम उसका सेलिंग प्राइस निकालेंगे, दिस विल बी 100, क्योंकि गेन हो रहा है तो प्लस का साइन, गेन परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 इनटू द कॉस्ट प्राइस, ये कितना हो जाएगा, 12 प्लस
100 प्लस 12 इंटू 100, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस, एक्स इज द कॉस्ट प्राइस, ठीक है, 112 अपॉन 100 एक्स, ये कितना हो जाएगा, दो जीरोस हैं डिनोमिनेटर में, इन दोनों को रिमूव करते हैं तो डेसिमल कहाँ आएगा, दो डिजिट से पहले आ जाएगा, 1.12x, क्लियर। नाउ वी फाइंड आउट द सेलिंग प्राइस व्हेन गेन वाज 14%, ठीक है, हम इसकी सेलिंग प्राइस निकालेंगे अगर गेन, जब हमें गेन 14% का हो रहा है, ठीक, तो व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस, अगेन 100 प्लस 14 इंटू डिवाइड बाय 100 इंटू द कॉस्ट प्राइस, दैट इज एक्स, दिस विल बी 114 अपॉन 100 इंटू एक्स, राइट, डिनोमिनेटर में वी हैव टू जीरोस, अगर मैं इन दोनों को रिमूव करती हूँ तो डेसिमल कहाँ लगेगा, दो डिजिट से पहले, तो ये डेसिमल हो जाएगा 1.14x, राइट। अब क्वेश्चन कह रहा है कि उसको प्रॉफिट कितना हुआ है जब गेन 14% है, तो प्रॉफिट हुआ है 33 रुपीज एक्स्ट्रा, दैट मीन्स अगर मैं इसमें से ये वाला सेलिंग प्राइस माइनस करती हूँ तो वील गेट द गेन ना, राइट, तो ये कितना हो जाएगा 1.14x माइनस 1.112, आई हैव सब्ट्रैक्टेड दिस वन फ्रॉम दिस, ठीक है, तो गेन कितना हो रहा है 33 रुपीज का, ठीक, क्लियर, ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी 2.0x, दिस इज इक्वल टू 33, नाउ एक्स विल बी इक्वल टू 33 डिवाइड बाय 0.02, ये कितना हो जाएगा इनटू 100, 50 53 15 061, दिस विल बी इक्वल टू 1650 रुपीज, ठीक है, तो इसका मतलब आंसर क्या हुआ, व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टॉय, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टॉय वाज रुपीज 1650, हियर वी गेट द आंसर, ठीक है, आई होप दिस प्रॉब्लम इज क्लियर टू यू, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, थैंक यू।